आप सबका शिक्षा दृष्टि चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हमारा टॉपिक है बौद्ध शिक्षा। बौद्ध शिक्षा, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म क्या बताता है, इसके विषय में हमको जानकारी करनी है। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बौद्ध दर्शन की क्या सिद्धांत हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर यह दर्शन आगे बढ़ता है और शिक्षा में अपना योगदान देता है। वर्तमान समाज, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बौद्ध दर्शन बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में, धर्म के रूप में, दर्शन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और हमारे वर्तमान समाज को एक नई दिशा, एक नई शिक्षा, एक नई नीति इस दर्शन के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। इसलिए हमको आज जानना है कि बौद्ध शिक्षा, बौद्ध दर्शन है क्या। जो इसका मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत तत्व हैं, उसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। उसके बाद हम शिक्षा में क्या योगदान है, शिक्षा व्यवस्था कैसे संचालित होती है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। सांसारिक दुखों का कारण अविद्या माना है। बौद्ध दर्शन, भगवान बुद्ध ने जो संसार में दुख है उसका मूल कारण अविद्या है। विद्या के होने पर यह दुख दूर हो जाता है, ज्ञान के होने पर यह दुख दूर हो जाता है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत, वह सांसारिक दुखों का कारण अविद्या, ये पहला सिद्धांत, पहली विशेषता है जो भगवान बुद्ध ने बताया। सांसारिक दुखों का कारण अविद्या है और बुद्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, संयोग, वियोग, यह सब दुखमय है। तृष्णा और लालसा सभी दुखों का कारण है। जो दूसरी बात है वह है तृष्णा व लालसा सभी दुखों का कारण है, अर्थात अगर ये दूर हो जाए तो सब कुछ सही हो सकता है। सभी दुखों का कारण है तृष्णा और लालसा। जो लालसा, जो तृष्णा हमारे मन में है, वह सभी दुखों का कारण है। जन्म, मृत्यु, संयोग, वियोग सभी में सिर्फ अगर तृष्णा का निरोध कर दिया जाए तो दुख समाप्त हो जाता है। इसका निरोध कर दिया जाए तो दुख की निवृत्ति है। इसका निरोध ही दुख की निवृत्ति है। तो ये हमारा दूसरी विशेषता, दूसरा सिद्धांत है। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने इन दुखों के विषय में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसके लिए इन्होंने चार आर्य सत्य बताए हैं। चार आर्य सत्य ये क्या है? संसार में दुख है, एक दुख का कारण है, उसके बाद दुख का निवारण है, एक दो
और ये तीन। चौथा है दुख निवारण के मार्ग। ये चार आर्य सत्य हैं। दुख संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण के लिए मार्ग है। वो आठ मार्ग बताए हैं। आठ मार्ग कौन से हैं इसको समझना है। सम्यक दृष्टि, ये पहला मार्ग है। दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्म। अच्छे से कर्म किया जाए। पांचवा सम्यक आजीव, आजीव मतलब ईमानदारी पूर्वक जीवन जीना, अपनी आजीविका चलाना, ये होता है सम्यक आजीव, सम्यक भाव, सम्यक भाव। इसके बाद है सम्यक स्मृति और आठवां मार्ग है सम्यक समाधि। यह लास्ट है समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है। इसका पालन करना, इसको अपने जीवन में उतारना, चार आर्य सत्य जो बताए गए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण के अष्टांगिक मार्ग हैं। इन मार्गों का अगर सम्यक रूप से पालन किया जाता है तो जो आर्य सत्य है वो दुख का निवारण हो सकता है। इसके अलावा जो इनका सिद्धांत है वह है मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा, मध्यम प्रतिपदा ये बताता है कि न कठोर तपस्या करनी है, तपस्या करनी है और न ही वासनाओं में लिप्त रहना है। ये मध्यम प्रतिपदा है। यह भी बताते हैं कि हमको मध्यम मार्ग अपनाना है। क्षणिकवाद ये आता है, क्षणिकवाद ये भी इनका सिद्धांत है। क्षणिकवाद यह बताता है कि जगत की जो भी वस्तुएं हैं वह सब क्षणिक है, वह सब समाप्त होने वाली है। जैसे नदी का जल स्थिर नहीं रहता है, बहता रहता है, वैसे ही सभी वस्तुएं परिवर्तित होती रहती हैं। ये सब क्षणिक है, ये सिद्धांत बताता है। इसके अलावा कर्मवाद है। कर्मवाद ये बताते हैं कि कर्म के अनुसार सबको फल मिलता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, इसलिए सबको अच्छा कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। एक और बात इसमें आती है, दार्शनिकता की उपेक्षा। दार्शनिकता की उपेक्षा, ये किसी दर्शन पर जोर नहीं देते हैं। भगवान बुद्ध यह मानते हैं कि कोई दर्शन नहीं है, बल्कि जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जो हमारे सामने है, वही सत्य है। उसमें उसको समझना है, उसमें सुधार करना है, उसके अनुरूप चलना है, न कि किसी आत्मा, किसी ईश्वर, किसी भगवान के विषय में चिंतन करना है।
इसलिए इनका दर्शन ये माना जाता है कि ये दर्शन के विरोधी थे। तो ये बौद्ध दर्शन के कुछ विचार हैं, कुछ सिद्धांत हैं। इसके अलावा और भी सिद्धांत हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन मूलतः वैदिक शिक्षा में कर्म कांड के विरोध स्वरूप भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया दर्शन है, धर्म है, विचार है, जो उस समय समाज में फैली कुरीतियों के निवारण हेतु एक नया विचार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अगला जो सिद्धांत है वह है वेदों की प्रामाणिकता का विरोध। यह भी इनका सिद्धांत और विचार है। वेदों की प्रामाणिकता की ये नहीं मानते हैं। अनिश्वरवाद, हमने पहले ही बताया कि कोई ईश्वर नहीं मानते हैं। इनके हिसाब से, इनके अनुसार कोई ईश्वर नहीं है, कर्म ही सबसे बड़ा ईश्वर है। अनात्मवाद, अनात्मवाद मानते हैं कि कोई आत्मा नहीं है, आत्मा के विषय में मौन हो जाते हैं। पुनर्जन्मवाद, पुनर्जन्मवाद, पुनर्जन्मवाद में ये विश्वास करते हैं, मानते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसका पुनः जन्म होता है, अगले जन्म में भी वह फल पाता है। कारणवाद, कारणवाद अर्थात कोई भी घटना जो घटती है उन सब के पीछे कारण होता है, सभी घटनाएं बिना कारण के नहीं घटती हैं। इसी को ये कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। ये प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत का मतलब होता है, प्रतीत, प्रतीत का मतलब होता है इसके होने से, और समुत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना या उत्पन्न हुआ। यही प्रतीत समुत्पाद है, यानी बिना कारण के कोई भी घटना, कोई भी कार्य होता नहीं है। इसके अलावा है निवृत्त मार्ग, निवृत्त मार्ग, दुखों से दूर रहते हुए हम निवृत्त मार्ग पर चलें, यही सर्वोत्तम मार्ग है, ऐसा इन्होंने बताया। इसके अलावा और इनका जो सिद्धांत आता है वह है आशावाद, आशावाद। इनके सिद्धांत, इनके धर्म में आशावाद पर जोर देते हैं। भगवान बुद्ध स्वयं आशावादी थे, और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो हमारे सामने अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत होता है। अष्टांगिक मार्ग दुख का कारण निवारण, और उस निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग एक आशावाद को ही जन्म देता है। आशावादी विचारधारा है जो बताता है कि हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये आशावाद भी इनके सिद्धांतों में शामिल है। निर्वाण, निर्वाण ये सिद्धांत, निर्वाण जो इस पूरे धर्म दर्शन का चरम लक्ष्य है, इसी की प्राप्ति करना बुद्ध बताते हैं। इस चरम लक्ष्य को सबको प्राप्त करना चाहिए, जीवन की
जीवन की विशुद्ध यही है, चरम लक्ष्य है, जीवन की विशुद्धि है, पूर्ण विशुद्धि है, और इसी को हम मुक्ति भी कहते हैं। मुक्ति भी इसी को कहते हैं। इसके अलावा जो विचार हमारे सामने एक और आता है वह है बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म के संप्रदाय की बात आती है तो ये संप्रदाय दो हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। दो संप्रदाय जो प्रस्तुत होते हैं वह है पहला हीनयान। पहला संप्रदाय है हीनयान, दूसरा संप्रदाय है महायान। हीनयान और महायान, हीनयान संकीर्ण विचारधारा, हीनयान, और जो महायान है यह व्यापक विचारधारा, व्यापक है। हीनयान व्यक्तिगत है, और महायान समष्टिगत है। दोनों में अंतर है। हीनयान और महायान, हीनयान व्यक्तिगत है, संकीर्ण विचारधारा है, इसमें व्यक्तिगत सुख की बात होती है, लौकिक सुख की बात होती है। महायान व्यापक विचारधारा है और यह समष्टिगत विचारधारा को जन्म देती है। आगे चलकर हीनयान और महायान दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। हीनयान वैभाषिक, जिसको हम संकीर्ण विचारधारा के रूप में मानते हैं, साथ साथ दूसरा है सौत्रांतिक, और ऐसे ही महायान भी दो भागों में विभक्त होता है। पहला है योगाचार, जिसको विज्ञानवाद कहते हैं, विज्ञान पर बल देता है विज्ञानवाद, या और दूसरा है माध्यमिक, या शून्यवाद है। इस प्रकार से बौद्ध दर्शन के दो संप्रदाय मिलते हैं। हीनयान महायान। हीनयान दो भागों में विभक्त है, वैभाषिक और सौत्रांतिक। महायान भी दो भागों में विभक्त है, योगाचार और माध्यमिक। योगाचार को हम विज्ञानवाद भी कहते हैं और माध्यमिक को शून्यवाद। महायान व्यापक है, समष्टिगत है। हीनयान संकीर्ण विचारधारा, व्यक्तिगत सुखों की बात करता है, वेदों की प्रमाणिकता का विरोध करते हैं, किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, किसी आत्मा को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म विश्वास करते हैं, हर चीज का कारण बताते हैं, निवृत्त का मार्ग बताते हैं, आशावादी विचारधारा की बात करते हैं, और निर्वाण समाधि के साथ निर्वाण की बात करते हैं। निर्वाण ही चरम लक्ष्य मानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जीवन की पूर्णता, जीवन की पूर्ण विशुद्ध निर्वाण है, यही
मुक्ति है, मुक्ति का दूसरा नाम है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में क्या योगदान है, शिक्षा में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस सिद्धांत के आधार पर, विचार के आधार पर क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए और कैसे शिक्षा व्यवस्था संचालित होनी चाहिए। सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य उद्देश्य जो बौद्ध दर्शन, बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य है वह है छात्रों को सदाचार की शिक्षा देना, सदाचार की शिक्षा देना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। बालकों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को सदाचार की शिक्षा दी जाए, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक माह की अष्टमी, प्रत्येक माह की अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या में हम पंचशील व्रत बताते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या में पंचशील सिद्धांत बताना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। पंचशील सिद्धांत क्या है इसको भी जानना चाहिए। पंचशील सिद्धांत जो भगवान बुद्ध ने बताया है वह है झूठ से विरत, हिंसा से विरत, झूठ से विरत, हिंसा से विरत, व्यभिचार, व्यभिचार से विरत और चौर कर्म, ये पांच सिद्धांत हैं जिनको हम पंचशील सिद्धांत कहते हैं। ये अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या माह के 3 दिन ये पंचशील सिद्धांत बताया जाता है। इसका पालन सबको करना चाहिए। इस शिक्षा के जो उद्देश्य है इसका पालन प्रवज्जा संस्कार के द्वारा, जब बालक 8 वर्ष में संघ में प्रवेश करता था, संघ में प्रवेश करता था तो इन उद्देश्यों को लेकर प्रवेश करता था, इन उद्देश्यों को सिखाया जाता था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह छात्र 8 वर्ष की अवस्था में सिर मुड़ाकर गेरुआ वस्त्र धारण करके शरण त्रयी में 3 लाइन उनको बोलवाना होता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये शरण त्रयी है। इस शरण त्रयी को उनको उच्चारण करवाया जाता था। इस शरण त्रयी के द्वारा
8 वर्ष की उम्र में सिर मुड़ाकर गेरुआ वस्त्र धारण करके बालक संघ में प्रवेश करता था और पंचशील सिद्धांत उसको समझाया जाता था, बताया जाता था, उसका पालन करवाया जाता था। छात्रों को सदाचार की शिक्षा देना शिक्षा का मूल सिद्धांत था, मूल उद्देश्य था। अवज्जा संस्कार 8 वर्ष की उम्र में, ये शिक्षा का उद्देश्य था, सदाचार का पालन करना। इसके बाद हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, इसके साथ ले सकते हैं आप। पाठ्यक्रम में क्या क्या बातें होनी चाहिए उसको भी बौद्ध दर्शन में बताया गया है। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम धार्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक शिक्षा, धार्मिक प्लस लौकिक शिक्षा, दोनों शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। इसमें 4 आर्य सत्य का ज्ञान, 4 आर्य सत्य का ज्ञान कराना, बौद्ध साहित्य जिसमें मूलतः त्रिपिटक या त्रिपिटक, ये इसका ज्ञान होता था। साथ साथ वैदिक साहित्य भी, तुलनात्मक अध्ययन हेतु वैदिक साहित्य भी। हमने पहले बताया कि वैदिक शिक्षा के विरोध स्वरूप समाज में कुरीतियों के समाधान स्वरूप इस धर्म की उत्पत्ति होती है। वैदिक साहित्य इसलिए पढ़ाया जाता था क्योंकि बौद्ध साहित्य से उसकी तुलना की जाती थी। इसके अलावा जो लौकिक विषय पढ़ाए जाते थे उसमें गणित, कला, कताई, बुनाई, चिकित्सा, रंगाई, वास्तुशास्त्र, चित्रकला, मूर्तिकला, आयुर्वेद, पशुपालन, आदि, ये सब लौकिक विषय पढ़ाए जाते थे। शिक्षण विधि में कौन कौन सी शिक्षण विधि थी? शिक्षण विधियों में हम लेखन विधि, पाठ विधि, शास्त्रार्थ, स्वाध्याय, संगोष्ठी, उपमा विधि, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, प्रवचन, ये सब विधियां की जाती थी। संगोष्ठी का आयोजन भी होता था।
संगोष्ठी का आयोजन होता था। ये पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां हैं। इस पाठ्यक्रम में एक और ध्यान दिया जाता था, पांच विधाएं। ये पांच विधाएं कौन सी थी ये भी जान लेते हैं। इसमें शब्द विधा, शिल्पासन, शिल्पासन, चिकित्सा, हेतु विधा और पांचवा आध्यात्म। ये पांच विधाएं हैं। इन पांच विधाओं को भी पाठ्यक्रम का अंग माना गया था। इस पांच विधा के अलावा ये सब विषय थे। ये हमारी शिक्षण की विधियां हैं, लेखन विधि, पाठ विधि, शास्त्रार्थ विधि, प्रवचन विधि, स्वाध्याय, संगोष्ठी, उपमा, संगोष्ठी दो बार हो गया है, व्याख्या, प्रश्नोत्तर। ये हमारी विधियां थी। छात्र और शिक्षक का संबंध यह भी आता है परीक्षा में। छात्र और शिक्षक संबंध बहुत ही मधुर था। छात्र और शिक्षक का संबंध आध्यात्मिक था। दोनों मधुर संबंध था, स्नेहिल भाव रखते थे। दोनों एक दूसरे के सहायक के रूप में कार्य करते थे। शिष्य जहां साफ सफाई करता था, भोजन पकाता था, भिक्षाटन करता था, वहीं गुरु के भी कर्तव्य निर्धारित थे। गुरु और शिष्य दोनों में समानता का भाव रखा जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था, आचार्य और उपाध्याय दो प्रकार के शिक्षक होते थे। आचार्य और उपाध्याय दोनों प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग देते थे, और यदि गुरु अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता था तो उसके लिए अनुशासनहीनता भी निर्धारित थी। तो हम ये कह सकते हैं कि छात्र और शिक्षक का संबंध मधुर था, मधुर और स्नेहिल। इसके अलावा शिक्षा संस्थाओं की बात की जाती थी। संस्थाएं जो मठ और विहार होते थे, मठ विहार, ये संस्थाएं मठ और विहार कही जाती थी। उस समय जो स्थान शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रमुख थे वह थे वल्लभी, नदिया, विक्रमशिला, नदिया, विक्रमशिला, बंगाल, नालंदा, मिथिला, नालंदा, नदिया, विक्रमशिला, बल्लवी, ये सब शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर शिक्षा संचालित होती थी। इस प्रकार से हमने बौद्ध दर्शन का अध्ययन आज किया। बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध दर्शन क्या है, उसके क्या सिद्धांत हैं, और हमारी शिक्षा व्यवस्था में इनका क्या योगदान है। विशेष करके लोकतांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था का जन्म हमको बौद्ध शिक्षा में देखने को मिलता है। बिना किसी भेदभाव के सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की बात हमको बौद्ध शिक्षा में मिलती है। शांति की स्थापना
हमको बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन से मिलती है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा का भाव भी हमको बौद्ध शिक्षा से मिलता है। इस प्रकार से यह दर्शन यह धर्म हमको हमारे समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करता है। वीडियो को अच्छे से देखने के लिए आगे पढ़ाने के लिए सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।